तो आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ नया करने वाले हैं, तो देखते हैं कि आप सबको कैसा लगता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो आज हम देखेंगे हमारे ब्रॉडकेज प्रोडक्शन के WAP से ऑन लोकोमोटिव। ये आप देख सकते हो कि हमारे WAP से ऑन लोकोमोटिव आके खड़े हो गए। तो चलो अपनी गेम को चालू करते हैं। ये पहला जो हमारा लोकोमोटिव खड़ा है, ये है हमारा वडोदरा शेड का WAP सेवन लोकोमोटिव। उस एंड पुल दोनों में उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। और HOGB इनेबल है। ज़रा अपनी लाइट्स जो है वो चालू कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमने लाइट्स जो है वो चालू कर ली है। तो अभी तो आपको जो लाइट है उसका जो परफॉर्मेंस है वो सही से समझ में नहीं आएगा। तो रात को कई बार हम रात को चलाएंगे तब हम देखेंगे कि कैसी इसकी लाइट की जो परफॉर्मेंस होती है वो रहती है। ये आप देख सकते हो कि वडोदरा शेड का WAP-7 लोकोमोटिव वेस्टर्न रेलवे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकोमोटिव की तरफ। तो नेक्स्ट लोकोमोटिव जो है वो भी WAP-7 लोकोमोटिव हमारे ब्रॉडगेज प्रोडक्शन का ही है। और देखते हैं कि कौन से शेड का है, रजनी शेड का है WAP-7 लोकोमोटिव। जैसा कि आप देख पा रहे हो तो वो जस्ट WAP-7 लोकोमोटिव। तो टोटल मैंने 50 लोकोमोटिव लिए हैं, जिनमें से मुझे अभी 16 लोकोमोटिव मिले हैं। पीछे पीछे चलते हैं। तो ये है बिलाई शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। तो टोटल 16 लोकोमोटिव मिले हैं। तो आप सबको एक एक करके मैं दिखाऊंगा, आगे जाके आपको जो कैब भी है वो भी दिखाऊंगा। तो ये है हमारा कानपुर शेड का WAP-7 लोकोमोटिव, चमचम आ रहा है। तो देखेंगे हम कब तक ये कानपुर शेड के WAP-7 लोकोमोटिव को चला पाते हैं। तो नेक्स्ट लोकोमोटिव है हमारा ईरोड शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। तो ये आप देख सकते हो कि ईरोड शेड का WAP-7 लोकोमोटिव जो है वो काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, तो धोना वोना पड़ेगा। हमारे हमजा पगड़ी वाला जी ने ऐसे ही दे दिया है। तो हमजा जी थोड़ा दो बोके देते लोकोमोटिव तो अच्छा रहता। तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा है कौन से शेड का है देखना पड़ेगा, इटासी शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। ये भी हमें ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के जो लोकोमोटिव 16 लोकोमोटिव अभी मिले हैं, उसमें 88 सेट का WAP-7 लोकोमोटिव भी है। तो ये देख सकते हो, आपको बाद में कभी हम चलाएंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे और बहुत ही बढ़िया जर्नी रहेगी। अब नेक्स्ट जो लोकोमोटिव है वो है GMO सेड का WAP-7 लोकोमोटिव, गमो शेड। ये आप देख पा रहे हो कि गमो शेड 3905-1 गमो शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। तो पीछे देख लेते हैं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, कहीं हमें उड़ा के ना चली जाए। आ रही है पर काफ़ी दूर है। तो हम लोकोमोटिव देख लेते हैं। नेक्स्ट जो लोकोमोटिव हमें मिलता है वो है गाजियाबाद शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। तो गाजियाबाद शेड का तो WAP-7 लोकोमोटिव होना ही चाहिए, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा गाजियाबाद शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। तो इसको तो हम डेफिनेटली चलाने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो WAP-7 लोकोमोटिव है वो है कुशापुरम शेड से। ये आप देख पा रहे हो, ये KJM का WAP-7 लोकोमोटिव भी हमें मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो WAP-7 लोकोमोटिव है वो कौन से शेड से है, कहाँ का इसका शेड कहाँ लिखा है। सेंट्रल रेलवे से, तो आप समझ जाओ कि कल्याण शेड का WAP-7 लोकोमोटिव है। इसका शेड ये रहा KYN। और पुल, हाँ ये लिखा कल्याण। या आप देख पा रहे हो कल्याण शेड का WAP-7 लोकोमोटिव। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकोमोटिव की तरफ। और पीछे एक ट्रेन भी आ गई है, ज़रा देखना पड़ेगा, थोड़े हम दूर हो जाते हैं।
हमें ठोक बोक के ना चली जाए लोकोमोटिव देखते देखते। ये हावड़ा सीट का WP था लोकोमोटिव, तो अभी हम देख रहे हैं पीछे देख लेते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। तो 12010 अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। तो चलो अब नेक्स्ट जो लोकोमोटिव है वो देखते हैं। ये है हमारा 786 सेट का WP7 लोकोमोटिव, तो इसको भी जो थोड़ी वॉशिंग की ज़रूरत है, अंजा जी ने धो के नहीं दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लोकोमोटिव है वो है टाटा नगर सेट का WP7 लोकोमोटिव। आप देख पा रहे हो टाटा नगर सेट का WP7 लोकोमोटिव। और शताब्दी एक्सप्रेस देख लेते हैं कौन से लोकोमोटिव के साथ आ रही है। ये है हमारा गाजियाबाद सेट का WP7 लोकोमोटिव है, खिला है। तो चलो हम अपनी नेक्स्ट लोकोमोटिव तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लोकोमोटिव हमें मिलता है तुगलाबाद सेट का WP7 लोकोमोटिव। तो तुगलाबाद सेट का भी WP7 लोकोमोटिव के बिना हमें नहीं चलता। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, शताब्दी का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ये है विशाखापट्टनम WP7 लोकोमोटिव, ये भी हमें मिलता है, बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव। आगे हम आपको सब लोकोमोटिव दिखाने के बाद हम जाएंगे अपने कैब व्यू में। लाल घोड़ा सेट का WP7 लोकोमोटिव भी हमें मिलता है, बहुत ही बढ़िया। ये आप देख पा रहे हो कितने बढ़िया टेक्सचर्स है वो दिख रहे हैं। ये लाल घोड़ा सेट का WP7 लोकोमोटिव और ये लास्ट है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं अपने वडोदरा सेट के WP7 लोकोमोटिव के पास। और VCR XL फ्राइट ट्रेन आ गई है हमारे बाजू में ही, विथ बॉक्सर XL फ्राइट ट्रेन, VCR XL फ्राइट ट्रेन विथ WAG9 लोकोमोटिव। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, पेंटोग्राफ जरा ऊपर कर लिया जाए। तो ये हमारा जो पेंटोग्राफ है वो ऊपर हो रहा है, जो देख पा रहे हो ये सभी लोकोमोटिव का जो पेंटोग्राफ है वो ऊपर हो चुके हैं। तो चलते हैं ज़रा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो ये हमारा जो लोकोमोटिव है वो स्टार्ट हो चुका है, ज़रा चलते हैं आगे ये शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। ये आप हम सुन पा रहे होंगे और काफ़ी खतरनाक लैग होता हुआ हमारा गेम, तो ट्रैफिक भी बहुत ही हाई है। तो फिलहाल तो अभी 10 किलोमीटर पर और 30 किलोमीटर और हमारे पास है 16 WP7 लोकोमोटिव, तो काफ़ी खतरनाक पावर होने वाली है। तो जरा हमें देखना पड़ेगा, चलते हैं शताब्दी एक्सप्रेस के साथ साथ। वैसे तो हमें सिग्नल नहीं है, शताब्दी को ही आगे जाना है। और अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस आपको पता ही होगा कितनी लंबी ट्रेन है। तो चलो हमें 50 किलोमीटर पर और 20 किलोमीटर वो मिल चुकी है, तो एक्सलेट करते हैं और देखते हैं ये अपने WP7 लोकोमोटिव है उनका एक्सलेशन कैसा है। ये शताब्दी एक्सप्रेस के जाने के बाद हमें असली तो इसकी जो ऑडियो है वो मिलने को मिलेगी 50 किलोमीटर पर और 30 किलोमीटर में मिल चुकी है। पर जो यहाँ से है वो शताब्दी एक्सप्रेस को आगे जाना है, तो वेट करना पड़ेगा हमें। चलो हमने जो टोटल पावर है वो बंद कर दिया है, तो थोड़ी आगे जाके हमें ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। अंदर तो काफ़ी गेम लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये मैंने लोको परवल में भी काफ़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो लगा दिया है। ब्रेक्स लगाते हैं और देख सकते हो आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि वो शताब्दी को निकल जाने दो, उसके जो साउंड की वजह से हमने जो है वो अपनी लोकोमोटिव की जो साउंड है वो पता नहीं चलेगी। बाकी बहुत ही बढ़िया जो साउंड है वो ये लोकोमोटिव में यूज़ की हुई है। बारी गेम को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस ने हमें
आगे निकाल दिया गया, क्यों ना निकाले हम। ऐसे तो क्या है, ऐसे ही लोकोमोटिव निकले लेके निकले और शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो पता ही होगा कि जो बहुत ही हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। और ये शताब्दी एक्सप्रेस को तो अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस को तो काफ़ी हाई प्रायोरिटी मिलती है, तो हमें वैसे ही सिग्नल नहीं मिलने वाले थे। अभी मैं आपको ले चलता हूँ, ताकि अभी आप देख पा रहे हो कि कैसा क्या व्यू है। ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारा ब्रॉडगेज प्रोडक्शन का WP7 का क्या व्यू। ज़रा मैं आपको अंदर भी घुमा लाऊं, और काफ़ी लैग होती हुई है गेम। एक दरवाज़ा खोलो, ये आप देख पा रहे हो कि हमारे लोकोमोटिव जी लोको पायलट जी ने दरवाज़ा खोल दिया है। ज़रा चेक करने के लिए पीछे जा रहे हैं कि क्या है, और काफ़ी लैग होता हुआ ये गेम। तो ये हम अपने सेकंड कैब में आ गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये आपको अगर अब दरवाज़ा बंद कर देना है तो दरवाज़ा बंद कर सकते हो, और कैब टू में बैठ के आराम से जा सकते हो। और चलो अभी तो हमें ये ट्रेन को आगे ले जाना है, तो चलते हैं फिर से आगे की तरफ। तो यहाँ पे सब मोटर वगैरह और ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो जब लोकोमोटिव चालू हो तो यहाँ आना बहुत ही खतरे वाली घंटी हो सकती है। पीछे जो दरवाज़ा है वो बंद कर देते हैं, और ये WP7 काफ़ी लैग होता है यार, काफ़ी लैग हुआ। WP7 लोकोमोटिव के साथ कोई गरीब रथ एक्सप्रेस हमें क्रॉस दे रही है। ज़रा ये डॉर बंद कर ले, क्योंकि काफ़ी डेंजरस हो सकता है ये डोर्स को ओपन करना। तो चलते हैं हम अपने मैन लोको पायलट की सीट पे, ऑन बजाते हुए और निकलते आगे। और अब आपको जो साउंड है ये WP7 लोकोमोटिव की वो पता चलेगी। और थोड़ी देर में हमें 80 किलोमीटर पर और किस किलोमीटर वो मिल जाएगी। वैसे तो हमारा हम है मेन लाइन पे, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। ये आप देख पा रहे हो कि जो हमारा स्पीडोमीटर है वो बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। हमारी जो अभी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, वो एग्जैक्ट बता रहा है। पर थोड़ा लैग होने के कारण गेम, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगा दिया है ये एक्टिविटी में, या लोको परेड की एक्टिविटी में बहुत ही ट्रैफिक लगा दिया है। ये आप देख सकते हो हमारे जो WP7 लोकोमोटिव है उसका साउंड कितना बढ़िया और कितना स्मूथ है। अब मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, तो चलो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये ब्रॉडगेज प्रोडक्शन का WP7 लोकोमोटिव पसंद आया हो तो वीडियो कमेंट में बोल देना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप एंजॉय करो इसके साथ। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।